चलो दोस्त लोग सब कोई आ गए, चलो तब एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। मैडम राइड्स दी बस। चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कौन मैडम बस को चलाती है। हम लोग तो स्कूल का टीचर को मैडम कहते थे, अब इस कहानी को लिखने वाले महाशय किसको मैडम कह रहे हैं ये तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। इनका नाम है भली कन्नन। चलो देखते हैं, ये पूरा कहानी एक बच्ची की है, 8 साल की बच्ची की, जो बहुत कुरियस थी। कुरियस नहीं, क्यूरियस थी। क्यूरियस मतलब होता है जानने की इच्छा, कुछ भी चीज़ को जानना बहुत चाहती थी। इसका पूरा नाम था भलियमई। इतना लंबा नाम कौन बोलने जा रहा है, इसका शॉर्ट नाम वली, वली बोलेंगे ना। बचपन से ही इसका किस्मत खराब था, मतलब इसका कोई दोस्त नहीं था अपने एज का, इसलिए ये बाहर खेलने नहीं जाती थी। किसके साथ खेलेगी, इसका कुछ काम वाम तो है नहीं, बस घर के दरवाज़ा में खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देखती थी कि बाहर हो क्या रहा है, बस इसी से इसका टाइम पास हो जाता था। ये इसका टाइम पास करने का बिल्कुल फेवरेट तरीका था। अगर एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि इसका फेवरेट पास टाइम कौन था, तो अभी जो मैंने लिखा था उसको लिख देना। ये यहाँ पर खड़े खड़े उतना मज़ा लूट लेती थी जितना कि तुम मैदान में जा कर के खेल के लूट सकते थे। दरवाज़ा के सामने खड़ा होके बाहर गली में देखती किसको थी, रोज़ वही गली, रोज़ वही रोड, देखती किसको थी यार। भैया उसमें कुछ नया नया चीज़ देखने को मिलता था, उसमें से सबसे अच्छा चीज़ था बस। वो बस जो रोज़ हर घंटे उसके घर से सामने का टाउन जाता था, टाउन मतलब शहर जाता था। इससे पता चलता है कि ये गांव में रहती थी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी गाँव में पले बढ़े हैं। बस में क्या रखा था जो इसको सबसे अच्छा बस ही लगता था? बस में कुछ नहीं रखा था, बस में तो पैसेंजर रखा हुआ था। जब देखती थी बस में नए नए पैसेंजर लदे हुए रहते थे जो कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे पता है कि तुम्हें इसकी आदत अजीब लग रही होगी, लेकिन यार जब तुम बच्चे थे ना और उस समय कहीं पर बस में कोई पैसेंजर को देखते थे तो उस समय तुम्हें भी अच्छा लगता था होगा, लेकिन अभी तो सब जाते आते देख रहे हो तो कहाँ अच्छा लगेगा। रोज़ देखती देखती एक दिन इसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक दिन बस में चढ़ के देखते हैं कैसा मज़ा लगता है। धीरे धीरे ये छोटा सा ख्याल एक मजबूत इच्छा में बदल गई और इसने तय कर ही लिया कि कभी ना कभी तो बस चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी, कितनों कोशिश करना पड़े बस चढ़ना है तो चढ़ना है, ज़्यादा नहीं कम से कम एकाध बार तो चढ़ेंगे। वो दूसरों को बस में चढ़ते हुए देखती थी तो हमेशा सोचते रहती थी कि इन लोग को कितना मज़ा आता होगा, और जब कोई इसका एक दोस्त इसको बताता था कि बस में चढ़ने से कैसा लगता है, बस से घूमने समय टाउन कैसा दिखता है, ये सब को एक्सप्लेन करता था तो वैल्यू को बहुत जलन होता था और वो बोलती थी प्राउड प्राउड, एक ही शब्द बोलती थी। इस शब्द का मतलब ना इसको पता था ना इसके दोस्त को पता था, लेकिन फिर भी बोले जाए। तुम देखोगे गाँव आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते होंगे लेकिन उस इंग्लिश वर्ड का मतलब उसको भी पता नहीं होता होगा, बस ऐसा ही बोलते हैं। वैल्यू को इस वर्ड का मतलब पता नहीं था, वो इस वर्ड का यूज एक चीज़ के लिए करती थी, नॉट एक्सेप्टिंग, या तो डिसअप्रूवल बोल सकते हो, मतलब उसका बोलने का मतलब ये था कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, ये सही नहीं है। उसने तो तय कर लिया था कि बस में चढ़ना है तो चढ़ना है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करने लगी कि बस में चढ़ने का पैसा कितना लगता है, गाँव से टाउन कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ पता करोगे तब ना जाके चढ़ो। ये सब चीज़ पता करने के लिए वो आदमी लोग का बात को ध्यान से सुनती थी, कभी कभी तो किसी से सवाल भी पूछ लेती थी और बहुत मुश्किल से इधर उधर करके सारा इन्फॉर्मेशन जुगाड़ की और फिर कैलकुलेट करने लगी। ज़रा हम भी तो सुने कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन जुगाड़ की है। गाँव से शहर तक का जाने का पैसा 30 पैसा लगता है, जाने का खाली, आने का एक्स्ट्रा देना होगा। गांव से शहर तक का दूरी 6 मील है और गांव से शहर जाने के लिए 45 मिनट लगता है। ये सब इन्फॉर्मेशन खाली जाने तक का था, आने के लिए और इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा और इतना दूरी ट्रेवल करना होगा। फिर वो सोचने लगी खाली टाउन जाना थोड़े ना है, आना भी है, तो हमको टोटल 60 पैसा जुगाड़ करना होगा। टाइम का बात करें तो अगर मैं यहाँ से 1 बजे निकलूँगी तो 1:45 में वहाँ पहुँचेंगी, वहाँ पहुँचूँगी और बस में बैठे ही रहूँगी, उतरूँगी नहीं, और हार्डली 2:45 तक तो घर पहुँच ही जाऊँगी। ऐसा कह के वो पूरा प्लान बना ली, टाइम का स्ट्रक्चर देखी,
कि इतना टाइम लगेगा, इतना ये सब होगा, पैसा को देखिए कि इतना पैसा लगेगा, और फिर कैसे कैसे पैसा जुगाड़ किए ये तो मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा। बिना किसी को बताए वो बस यात्रा के लिए निकल पड़ी। एक बार ऐसा ही गांव से एक बस गुजर रहा था, तो उसी समय उस बस का कंडक्टर एक बच्चा का आवाज़ सुनता है, बस को रोको, बस को रोको, ऐसा कहते हुए। फिर बस धीरे होता है और बस का कंडक्टर दरवाज़ा खोल के देखता है, तो वो देखता है कि बाहर एक बच्ची हल्ला कर रही है और अपना हाथ हिला रही है। तो वो बोलता है कि जिसको जाना है जल्दी भेजो, लेट हो रहा है। फिर वो बोलती है कि किसी और को नहीं, मुझे ही जाना है। फिर वो बस कंडक्टर देखता है, बोलता है कि तुम्हें जाना है? फिर बच्ची बोलती है कि हाँ मुझे ही जाना है। फिर अपना हाथ में पैसा दिखाती है, देखो मेरे पास पैसा है। फिर वो बोलती है अच्छा चलो ना बाद में पैसा देना, पहले आओ बस में चढ़ जाओ, कहके हाथ को आगे आता है। तो फिर वो भेली बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस में अपने से चढ़ सकती हूँ। ये 8 साल का बच्चा का ये एटीट्यूड देख के वो दंग रह जाता है, यार ये 8 साल का छोटी सी बच्ची है कि ये बड़ी मैडम है। फिर वो बोलता है सॉरी मैडम, ऊपर आइए। भेली ऊपर बस में चढ़ती है। उसके बाद बस कंडक्टर आवाज़ लगाता है आदमी लोग को कि मैडम को जाने के लिए रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, मैडम आ रही है। मैडम वहाँ पर जाके बैठिए, वहाँ पर सीट खाली है। मैडम जाती है वहाँ पर बैठती है। मैडम नहीं यार, ये भेली जाती है वहाँ पर बैठती है। उसमें बस में ज़्यादा आदमी नहीं थे, वही 6-7 वो आदमी था। तो मैडम जाके बैठती है, सब कोई हंसने लगते हैं। यार वो कंडक्टर भी थोड़ा मजाकिया टाइप का आदमी था, वो मजाक वजाक ज़्यादा करता था। जब सब लोग हंसने लगे तो भेली शर्मा गई और फिर सबसे नज़र बचा के वो पीछे एक खाली सीट में बैठ गई और बस को देखने लगी, बाहर देखने लगी। बस के अंदर क्या देखती है, बस के बाहर क्या देखती है, ये सब तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम कभी बस का यात्रा किए हो और उसमें कुछ अच्छा सा इंसिडेंट हुआ है तो ज़रा कमेंट में लिख के बताओ। तो बाय।